नमस्कार दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये जो आज मैं बात करूंगा, हिरंबा इंडस्ट्री पर बात करूंगा, और इसके पहले भी मैंने दो तीन चार वीडियो इस पर बनाया है। तो देखिए, ये एक मल्टीबैगर स्टॉक है, बहुत ही छोटी कंपनी है, मात्र 2600 करोड़ का मार्केट कैप है। बट इसका एवोल्यूशन अगर देखेंगे तो इतना महंगा एवोल्यूशन इसका नहीं है। और उसके अलावा अगर इसका आप विशेष देखिएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, स्टॉक का पीस मात्र 14 है। आरओसी एंड आरओ देखिए इसका कितना शानदार है, 45 और 36, जबरदस्त है। और इसका इंडस्ट्री का पी देखिए 30 है, अभी हाफ पे ये कर रहा है। उसके बाद देखिए प्रमोटर होल्डिंग पूरा का पूरा प्रमोटर के पास है, कोई भी प्लेज नहीं है इनके पास। अब 45 करोड़ का इनके पास डेट है। और अगर इस कंपनी के बारे में आपको पढ़ना है तो देखिए ये करती क्या है, तो हिरंबा इंडस्ट्री देखिए इज एन एग्रो केमिकल कंपनी, इट मैन्युफैक्चर्स सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स एंड इट्स इंटरमीडिएट इन इंडिया। इट इज यूज्ड इंटेसेक्टिसाइड फंगिस्टिसाइड एंड ये खेतों में पौधों में डालने के लिए यूज होता है खास करके। अगर इसका विशेष आपको पढ़ना है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देखिए सारा मिल जाएगा। 3 इनकम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंडिया में, इम्प्लाइज 650 है, तभी बहुत ही छोटी कंपनी है। और यहाँ पे आप डिटेल देखिएगा तो यहाँ पे लिखा है कि हिरंबा इंडस्ट्री करंट में क्या करता है, ये प्रोवाइड्स 50 to 60 टेक्निकल प्रोडक्ट्स है, जिसमें फॉर्मुलेशन मोर देन 80 प्रोडक्ट्स है फॉर्मुलेशन का। इंटरमीडिएट में 2 प्रोडक्ट है। हिरंबा इंडस्ट्री लिमिटेड डोमिनेट्स इंडिया पाइथ्रोइड्स मार्केट, अकाउंट्स फॉर शेयर फॉर 20% इसका मार्केट शेयर है। इट हैज ए फुट होल्ड डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन मार्केट थ्रू 94 इनका डीलर है, 9400+, और काफ़ी इनका बढ़िया मार्केटिंग है, 200% रिप्रेजेंटेटिव है नेटवर्क इन इंडिया। तो काफ़ी इनका बढ़िया अच्छा मार्केट कैप है इधर, और जब इंडस्ट्री चलेगा तो काफ़ी आपको एक प्रॉमिस देगा। अगर इसका सेल्स का मार्जिन देखिए तो ठीक ठाक लग रहा है, और एकदम देखिए डेट फ्री कंपनी है, CAGR 5 ईयर में 55-60% के आसपास है। और इसका अगर देखिएगा तो UPL, PI इंडस्ट्री, ये सब आप कह सकते हैं कि लीडर कंपनी है, बट ये बहुत ही छोटी कंपनी है, बट इसका एवल्यूशन देखिए सबसे कम है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप ध्यान करके चल सकते हैं। इसका अगर क्वार्टरली देखिए तो सेल्स इसका काफ़ी प्रॉमिस है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक है। तो अभी शुरुआत कंपनी का है, तो लंबे समय जिसका नज़रिया 5-10 साल का है, तो इसमें आप 30-50 हज़ार रुपये लगा के छोड़ सकते हैं, 20,000-30,000 ऐसे कुछ मनी आप लगा के छोड़ सकते हैं, अगर आपका पोर्टफोलियो 14-15 लाख रुपया का है, 10 लाख का है तो। लेकिन ये लंबे समय के लिए है, शॉर्ट टर्म का नहीं है। अगर सेल्स देखें ईयरली तो काफ़ी प्रोमिस इसका सेल्स है। आप पहले इसका देखिए 514 था, 582, 741, 1000, फिर इधर कोरोना के चलते थोड़ा डीप हुआ, अभी देखिए 1300 का है। अगर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए 44 से बढ़कर 248 तक हो गया है। अगर इसका नेट प्रॉफिट देखिए तो 17 करोड़ था, 20, 47, 75, 98, 155 तो 181, तो ये बहुत ही प्रॉमिस है, आपको कहीं पे दिक्कत नहीं मिलेगा। अगर इनका सेल्स देखिए तो सेल्स बेहतरीन है, 5 ईयर में 15%, 3 ईयर में 18%। अगर इनका CAGR अभी आपको नहीं दिखेगा स्टॉक का, क्योंकि अभी मार्केट में ये नया आया है। अगर रिजर्व देखें तो रिजर्व काफ़ी बढ़िया कैश रिच कंपनी है, 541 करोड़ का रिजर्व हो चुका है, डेट 46 करोड़ का है, जो कि कुछ भी नहीं है इनके हिसाब से। एसेट वगैरह भी इनका काफ़ी है, कैश रिच कंपनी देख सकते हैं, पॉजिटिव इनका कैश फ्लो है। उसके अलावा अगर देखिए प्रोमोटर का होल्डिंग तो आपको दिखेगा कि 75% आप कह सकते हैं प्रोमोटर के पास है, पिछले क्वार्टर में कुछ खरीदा भी है, 74.61 हो गया है। FI खरीदा था कुछ, बेचा है, DI भी थोड़ा निकला है, पब्लिक का होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ा है 20% के आसपास, तो ठीक ठाक है। कंपनी बेहतरीन है, ज़बरदस्त कंपनी है। अगर इसका वेबसाइट पर आप आएंगे तो आपको दिखेगा, देखिए हिरंबा इंडस्ट्री दिख गया, और एकदम कंपनी ज़बरदस्त है, मस्त कंपनी है। और ये सब देखिए इनका प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अंदर का, एग्रो केमिकल R&D फैसिलिटी, अब देख सकते इंटरमीडिएट, ये सब सारा आपको यहाँ पर डिटेल दिख जाएगा। ये सब देखिए खेतों में डलता है, धान गेहूँ का पौधा में, तो आप देख सकते हैं ये सब सारा वही प्रोडक्ट है।
इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो उसके अलावा अगर आपको और देखना है तो इधर जाकर प्रोडक्ट को इधर देख सकते हैं। थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा इंटरनेट, देखिए आपको साफ दिख रहा है। पब्लिक हेल्थ के लिए धान में, गेहूं में, फंगस में, ये सब सारा इनका पेस्टिसाइड बनता है। देखिए डेल्टा फ्लोर, डेल्ट्रिन, डेल फॉग, अल्फा शक्ति, देख रहे हैं ना, रंबा, टीसी, फ्लोरिन, मंत्रा, ये सब इनका खुद का प्रोडक्ट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी बढ़िया कंपनी है, आपको लंबे समय में काफ़ी अच्छा ये आपको प्रॉफिट देगा कंपनी। बट इस पर आपको फेथ होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। इतना जल्दी नहीं है कि बस आज लगाया और कल पैसा मार्केट में बनना शुरू हो गया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको किसी भी कंपनी में बिलीव करके आपको पैसा लगाना होगा। अगर आप, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि अगर आपको पी आई इंडस्ट्री में आप 50,000 लगा रहे हैं तो 10-20,000 इसमें भी लगा सकते हैं। जैसे मेरा पी आई इंडस्ट्री में लगा हुआ है काफ़ी अच्छा पैसा, तो मैं इसी के हिसाब से फिर तुरंत हेरम्बा में भी कुछ पैसा लगा दिया इसका, 10%, 15%, 20% अमाउंट। क्योंकि जो छोटी कंपनी होती है वो चलती बहुत तेज़ी से है, बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है, तो इसलिए ऐसी कंपनी में थोड़ा सा पैसा लगाने में कोई बुराई नहीं है लंबे समय के लिए। शॉर्ट टर्म में तो देखिए कुछ भी हो सकता है। अगर इसका चार्ट देखिए तो 1,000 रुपये के आसपास चलता था, उससे गिर के देखिए आया, फिर दोबारा इसमें रिकवरी भी हुआ था। बट जैसे ही मार्केट गिरा तो साथ में यहाँ से देखिए ये भी गिर गया, और देखिए यहाँ पे एक बेस बनाया है तो प्रोबेबली यहाँ से नीचे नहीं जाएगा ये जो इनका सपोर्ट है। बट यहाँ से अगर मूव करता है तो आपको महीना दो महीना में 900 रुपये तक चला जाएगा 600 रुपये से, तो काफ़ी बढ़िया मूव देगा ये, कंपनी चलती अच्छा है। तो ठीक है दोस्तों, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलूंगा आपको एक अच्छे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।